हेलो दोस्तों, ई डेयरी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ई डेयरी आपको आइसक्रीम की कंपोजिशन व आइसक्रीम की फूड एवं न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में बताएगा। दोस्तों, आइसक्रीम की कंपोजिशन की बात करें तो आइसक्रीम में मुख्य रूप से मिल्क फैट, मिल्क एसनफ, शुगर, स्टेबलाइजर, इमल्सीफायर, टोटल सॉलिड्स इत्यादि होते हैं और इन कंस्टिट्यूएंट्स को परसेंटेज में मापा जाता है। ये परसेंटेज रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी व मार्केट कंपटीशन के हिसाब से वेरी करती है। इन सभी कंस्टिट्यूएंट्स में से मिल्क फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा वेरी करता है। ब्रांड वैल्यू व हाई क्वालिटी आइसक्रीम बनाने के लिए इन कंस्टिट्यूएंट्स का बैलेंस भी होना ज़रूरी है। फैट कंटेंट बढ़ाने पर मिल्क एसनफ की मात्रा घटानी पड़ती है ताकि शुगर क्रिस्टल व लैक्टोज के कारण होने वाले सैंडिनेस डिफेक्ट को कम किया जा सके। आप एक टेबल के माध्यम से इन कंस्टिट्यूएंट्स की मात्रा परसेंटेज के रूप में देख सकते हैं। जैसे इकोनॉमी आइसक्रीम में मिल्क फैट लगभग 10% से कम नहीं होना चाहिए। मिल्क एसनफ 10 से 11% के बीच में रहता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। शुगर लगभग 13 से 15% तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्टेबलाइजर व इमल्सीफायर दोनों की मात्रा 0.3 से 0.5% तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस इकोनॉमी आइसक्रीम में टोटल सॉलिड की मात्रा 35 से 37% तक वेरी करती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हम आइसक्रीम की न्यूट्रिटी वैल्यू भी जान लेते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम में दूध की तुलना में फैट की मात्रा लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है और साथ ही दूध से ज़्यादा प्रोटीन आइसक्रीम में पाया जाता है। फ्रूट्स, नट्स वह एग कंटेनिंग आइसक्रीम में आयरन व विटामिन सी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जबकि दूध विटामिन सी व आयरन का एक अच्छा सोर्स नहीं माना जाता। अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स की तरह आइसक्रीम भी कैल्शियम व फॉस्फोरस का एक अच्छा सोर्स है। आइसक्रीम को एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में भी कंज्यूम किया जाता है। आइसक्रीम बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है। विटामिन सी के अलावा आइसक्रीम विटामिन ए व विटामिन बी का भी एक अच्छा सोर्स है। आइसक्रीम स्वादिष्ट होने के साथ साथ इजीली डाइजेस्टेबल भी होती है। आइसक्रीम को कई जगह खाना खाने के बाद डेजर्ट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।